आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांच ऐसे रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में जो आपको अक्सर बॉटम पे और टॉप पे देखने को मिलते हैं, बट हम उसको पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको अंडरस्टेटमेंट कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर ट्रेड नहीं ले पाते। तो आज मैं उसकी आपको लॉजिक भी बताऊंगा, साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी जो कैंडल्स फॉर्म होती हैं और हमारे को कितनी इसको वेटेज देनी है और कब देनी है कब नहीं देनी, और साथ ही साथ मैं आपको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आपको लाइव मार्केट में अगर ये चीज देखने को मिलती है तो वहां पर आपने इसको ट्रेड लेना है और कैसे लेना है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे अपलोड करते ही वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और उसके बाद भी कोई क्वारी हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वारी कर सकते हैं, पसंद आए तो आप जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, आपका अपना चैनल है। अब कैंडलस्टिक्स बताने से पहले जो लोग गलती करते हैं, जो ट्रेडर गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं जिसका नाम है डॉजी कैंडल। ये ऐसी कैंडल्स हैं, ये कुछ भी नहीं बताती, मतलब अगर यहां पर ना हमारे बायर्स एक्टिव है ना ही हमारे यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत ही छोटी सी बॉडी रहती है और वो ऊपर की तरफ भी विक मिलेगी नीचे की तरफ भी विक मिलेगी। अगर आपको विक के बारे में नहीं पता, बॉडी के बारे में नहीं पता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका मतलब आप बिल्कुल बिगनर है, तो मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना करके इसको डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको हर तरीके की नॉलेज मैं इस चैनल पे दे पाऊं। अब सबसे पहले बात करते हैं कैंडलस्टिक्स की, जो हमारे को रिवर्सल पैटर्न मिलता है, कहीं ना कहीं हमारे को मारो बाजो कैंडल है जो हमारी पूरी की पूरी फुल ऑफ बॉडी रहती है जिसके अंदर हमारे को विक शैडो नहीं देखने को मिलती, अगर मिलती भी है तो बहुत छोटी सी। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ग्रीन कैंडल है तो कहीं ना कहीं हमारे वहां पर बाइंग्स ही हुई है, वहां पर कोई भी सेलर नहीं था, हमारे जो बायर्स ही एक्टिव थे, तो कहीं ना कहीं हमारी मारो बाजो कैंडल बनी है। सिमिलरली अगर ये हमारे को रेड कैंडल मिलती है जिसके अंदर हमारे पास सैलरी सेलर है बाहर नहीं है, तो हम ये चीज समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पर मार्केट जो है वो बेयर कैंडल है और मार्केट कहीं ना कहीं हमारे नीचे जा सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सैलर है वो एक्टिव है। अब आपको ये बता दूं एक्चुअल में ये बनती कहाँ पे, इसकी पोजिशन क्या है। दोस्तों जब भी आपको मारो बाजो कैंडल मिल रही है, अगर छोटी मिल रही है कोई बात नहीं, वो तो ऑब्वियस बनती रहती है, अगर आपको कहीं ये बड़ी कैंडल मिल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा बाइंग हुई है, कहीं ना कहीं जो है जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्ट्रांग है, उनको आगे की मार्केट स्ट्रांग लग रही है, इस टाइम पे उन्होंने काफी कुछ अच्छा खासा अमाउंट में बाइंग करी है, इसीलिए कैंडल लंबी फॉर्म हुई है। तो इस कैंडल को हमने नेग्लेक्ट नहीं करना क्योंकि ये हमारी एक हमारे को इंडिकेशन दे रही है। और सबसे बड़ी आपको ये बात बता दो, अक्सर अगर आपको ये कैंडल लंबी और मारो बाजो कैंडल मिलती है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में बना है, अगर इसका अप ट्रेंड चल रहा है उसके बीच में आपको ये देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हमारे को एक्सेलरेट मिलता है, हमारे को तेजी देखने को मिलती है जिसकी वजह से जो बायर्स जब माल खरीदते हैं बाजार के अंदर काम कर रहे होते हैं बाइंग कर रहे होते हैं तो हमारे को अक्सर मारो बाजो कैंडल देखने को मिलती है। सिमिलरली अगर हमारे को ये डाउन साइड के लिए मारो बाजो दिख रही तो आप वहां पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सेलर तो एक्टिवेट है या एक्टिव है, बट साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये ट्रेंड चल रहा होगा जिसकी वजह से हमारे को यहाँ पर लंबी मारो बाजो कैंडल देखने को मिल रही है। ये अगेंस्ट दी ट्रेंड नहीं बनेगी, अगर मार्केट हमारी ऊपर जा रही है वहां पर आपको रेड कलर की मारो बाजो कैंडल नहीं मिलेगी, वहां पर आपको मिलेगी तो हमारे को ग्रीन कलर की मारो बाजो कैंडल मिलेगी क्योंकि वो भी एक तेजी का साइन है और वहां पे एक तरफ पर आप समझ पा रहे हैं कि वहां पे एक बायर्स ही है वहां पे सेलर नहीं है, ठीक है। अब सेकंड कैंडल है जो अक्सर मार्केट में बनती है उसका नाम है हैमर। अब ये अगर हमारे को बॉटम पे मिलती है तो ये हम इसको नाम देते हैं हैमर, अगर ये हमारे को कहीं ना कहीं टॉप पे मिलती है तो वहां पर हम इसका नाम देते हैं हैंगिंग मैन। अब एक्चुअली इसका रेलिवेंस क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, मार्केट में जब सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट में जब वो माल बेच रहे होते हैं कहीं ना कहीं बाजार नीचे जा रहा होता है तो वहीं पे आने के बाद कहीं ना कहीं बायर्स आ जाते हैं और वहां पर माल उसको बाइंग करनी शुरू कर देते हैं और बाजार को ऊपर के लेके तक ऊपर आ जाते हैं, और जब ऊपर आ जाती है वहां पर वो मार्केट जब जैसे मार्केट को पता ही है 3:30 बजे हमारी मार्केट बंद होती है तो वो बंद होती है तो हमारी क्लोजिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं बॉडी ऊपर की रह जाती है और नीचे से वो बाइंग करते ऊपर ले आते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट जो इतनी लंबी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शैडो देखने को मिल रही है या विक देखने को मिल रही है और हमारे को जो ये कैंडल जो ऊपर की जो बॉडी है हमारे को कम देखने को मिल रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर होना चाहिए, ये रेड कलर भी होगा तो चल देगा क्योंकि हमारा जो मेन लॉजिक है वो हम जो मैसेज है वो यही है कि नीचे तो मार्केट ले गया था सेलर पर बायर जो है वो उसको ऊपर ले आया और वहां पर लाकर क्लोजिंग कर दी, इसका मतलब हमारे को यहाँ पे हैमर कैंडल मिल गई।
अब इसका रेलिवेंस कब है, जब आपने ट्रेड कब लेना है, जब इसकी नेक्स्ट कैंडल, जस्ट नेक्स्ट कैंडल अगर वहां पर हमारे को ग्रीन इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स ही एक्टिव है, सेलर अब वो थक चुके हैं, अब यहां पर हमारी जो बाइंग है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहां पर आप इसका स्टॉप लॉस लगा करके यहां पर ट्रेड ले सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। और ये चीजें मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा ताकि आपको इसको समझने में और आसानी मिल जाए। अब देख रहे हैं जैसे इसका हैंगिंग मैन है, ये हमारे को ऊपर टॉप पे मिलता है, कहीं ना कहीं हमारे को इसका आपके नाम से ही पता हुआ कि हैंगिंग मतलब हैंग हुआ हुआ इंसान, तो वहां पे इसकी ऐसे लगता है कि यहाँ से अब जो मार्केट है यहाँ पे नीचे जाने लगेगी, और कहीं ना कहीं इसका जो रेलिवेंस है, जो इसका आपको जो बिहेवियर है मैं आपको दिखाऊंगा अभी फोटोज में, तो ये हमारा एक है हैंगिंग मैन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है हमारा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये अक्सर बनता है, अक्सर आपको मिलता है। और यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है, इसका साइकोलॉजी क्या है, जब हमारी मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, माल को बेच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को बॉटम पे आके एक छोटी सी कैंडल मिलती है, या आप इंडिसिजन कैंडल कह सकते हैं, आप इसको डॉजी कैंडल क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे को वो कैंडल मिलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे को ये समझ आ जाती है यहाँ पर सेलर्स जो है वो वीक हो चुके हैं, अब यहाँ पर वो और माल बेचना पसंद नहीं कर रहे, या उनके पास अब क्वांटिटी बेचने की वाली नहीं है, जितना उन्होंने माल बेचना था वो बेच लिया। अब यहाँ पर अगली कैंडल आपको मिलती है ग्रीन कलर की कैंडल, पर आपने वहां पर बाइंग नहीं करनी, क्योंकि पहली कैंडल तो आपको पता नहीं लगेगी वो ग्रीन कलर की है, तो वो बनेगी कि नहीं बनेगी, हो सकता है वहां पे भी रेड बन जाए और वो नीचे चला जाए बाजार, तो ग्रीन कैंडल बनने की क्लोजिंग का आपको वेट करना है। उसके जस्ट नेक्स्ट डे अगर वो ग्रीन कैंडल के ऊपर हल्की सी भी जाती है मार्केट, आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं, और जस्ट इस कैंडल के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमारे को ये सेटअप मिलता है, ये मॉर्निंग स्टार का सिस्टम मिलता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम इसको हम अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे, हम इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इसके ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पॉजिटिव ट्रेड जाएगी कोई बात नहीं, हम अपना स्टॉप लॉस लगा करके इसके अंदर काम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी के सामने हमारे को मिलता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में दोस्तों जैसे हमारे को मॉर्निंग स्टार बिल्कुल बॉटम में मिलता है, सिमिलर तरीके से हमारे को इवनिंग स्टार मिलता है, ये हमारे को मिलता है एकदम टॉप पे। टॉप पे मतलब क्यों, क्योंकि हमारे जो बायर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं माल बाजार को ऊपर लेके जा रहे हैं, और वहां पे आने के बाद अगेन हमारे को इंडिसिजन कैंडल मिलती है, जिसकी वजह से हम ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पर बायर स्ट्रांग है या हमारे सेलर स्ट्रांग है, तो नेक्स्ट कैंडल में हमारे को दिख जाता है यहाँ पे हमारे सेलर स्ट्रांग है। अब आपने यहाँ पर अगर शॉर्ट लेना है या आप अपने पोजीशन को काटना, अगर नीचे ले रखी है आपको वहां पे हल्के होना, तो आपको रेड कैंडल की जस्ट नीचे की तरफ जो नेक्स्ट डे की कैंडल आ रही है, जैसे वो उसके नीचे आएगी तो वहां पे अपना ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड का, और ऊपर की तरफ का अपना अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो सिमिलरली आपको इस तरीके से ट्रेड लेना है, और आप देखेंगे कि आपको काफी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, और मैं आपको अभी चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ। और अब एक और पैटर्न आपके सामने लेकर आया हूँ, जो देखो मैं आपको और भी पैटर्न दे सकता था, बट मैं चाह रहा था कि आपको बहुत ही सिलेक्टेड पैटर्न दे सकूं जो आपको मार्केट में अक्सर देखने को मिले, आपको मल्टीपल बार देखने को मिले, और आप इस चीज से मल्टीपल बार बेनिफिट भी ले सको। तो उसका नाम है दोस्तों फोर्थ पार्ट का इंगल्फिंग पैटर्न। ये क्या होता है दोस्तों, अगर हमारी कोई रेड कैंडल है, बेयर मार्केट जो बेयर कैंडल है मतलब सेलर है, उसको इंगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल ने, मतलब जो बायर्स आए हैं, जो ग्रीन कैंडल का मतलब बायर्स आए हैं, उन्होंने पूरी की पूरी रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया, सेलर्स को खा लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जितना भी वो माल बेच रहे थे वो सारा का सारा माल इन्होंने खरीद लिया है। अब यहाँ पर बायर जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, अब कहीं ना कहीं मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये हमारा होता है बुलिश इंगल्फिंग। सिमिलरली इसकी तरीके से आती है एक हमारे को बेरिश इंगल्फिंग। उस केस में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, वहां पर हमारे को ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड कैंडल में बन जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेड कैंडल बड़ी आने का मतलब है, जो बीच वाली हर ग्रीन कैंडल है उसको वो इंगल्फ कर गई, उसको वो खा गई, मतलब जितना भी बायर्स माल खरीद पा रहे थे वो खरीद खरीद के अब उनके पास और क्षमता नहीं खरीदने के, वो वीक होना शुरू हो गए। और वहीं पर जो सेलर है, चाहे उसने नीचे माल खरीदा हो, चाहे वो अपने ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हो, या चाहे कोई भी खबर से कि वहां पर मार्को सेलिंग देखने को मिला, तो उसको हमारे को नेगलेक्ट नहीं करना। जैसे उसके बाद हमारे नेक्स्ट डे की क्लोजिंग या हमारे नेक्स्ट डे की जो हमारी शुरुआत है उस कैंडल से नीचे जाती, तो हम ये समझ लेंगे हमारे जो सेलर ही एक्टिवेट है, हम वहां पर अपनी पोजीशन को बना लेंगे और ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस लगा के हम अपना ट्रेड करने के एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये इंगल्फिंग पैटर्न आपको कई बार देखने को मिलता है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ में मेरे पीछे आ रहा होगा, प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, बट आपको बता देता हूं, ये पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो बीच की तरफ छोटी रहती है, यहाँ पर आपको अक्सर ये आपको नीचे की तरफ मिलता है, तो हमारे ग्रीन कैंडल में मिलती है, ऊपर हमारे को ये रेड कैंडल मिलती है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे को इंडिसिजन टाइप का ही पार्ट है, और कहीं ना कहीं ये हमारे को एक मतलब इसका जो रेलिवेंस है वो यही है कि ये कहीं ना कहीं हमारे को
मतलब एक रिवर्सल पैटर्न के ऊपर, रिवर्सल ट्रेंड के ऊपर मिलती है। अब एक बार इसकी झलक मार लेते हैं चार्ट के ऊपर कि ये किस तरीके से बनती है और किस तरीके से हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बेरिश इंगल्फिंग है, इसने क्या किया लास्ट वाली कैंडल को इसने खा लिया। इसका मतलब जितने भी नीचे से आप देख रहे हो रैली जा रही है और यहाँ पर कितनी जबरदस्त बाइंग हो रही थी, पर वो एक कैंडल ने उस सारी जो लास्ट कैंडल की उसको खा लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बायर्स जो है वो वीक हो गए हैं, सेलर जो है वो वहां पे एक्टिव हो गए हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो ये सिंपल है, अगर आप इस चीज को पकड़ लेते हो तो काफी अच्छा खासा आप रिटर्न कमा सकते हो इस मार्केट से, और आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और इसको देखना है कि किस तरीके से ये बन रही है और उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से काम हो रहा है। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत इसके ऊपर अगर अपनी नॉलेज को बढ़ा लेंगे तो ये आपकी काफी हेल्प कर सकती है। सिमिलरली मार्केट यहां से नीचे आई फिर ये ऊपर गई, तो यहां पर आप देखेंगे अगेन इसने फिर इंगल कर लिया। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, 1 2 3 4 फोर कैंडल को इसने एक ही कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, तो इसका मतलब यहां पर हमारे को इसको नेगलेक्ट नहीं करना। अब ये देख रहे हैं आप कैसे मार्केट नीचे आ गई है ना। अब ये देखो ये बुलिश इंगल्फिंग है, यहां से जितना माल लोग बेच रहे थे ये नीचे की तरफ आ रहा था, बट कहीं ना कहीं हमारे बायर्स आ गए और इसने इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया, और जैसे इसने इसको इंगल्फ कर लिया मार्केट देखो कैसे ऊपर लेगी। अगर आपको यहां से लेकर यहां का भी मूव मिल गया तो आपके लिए मेरे ख्याल से इनफ है। अगर आपको एक कैंडल पहचान करके अगर आपको इतना अच्छा खासा मूव मिल जाता तो बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी आपकी ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हैंगिंग मैन है, यहाँ पे इस तरीके की ये शेडो मार्क को ये मिली और यहाँ पे कहीं ना हैंगिंग मैन है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आने लग गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग स्टार है, तो मॉर्निंग स्टार भी क्या हुआ, यहाँ से मार्केट जो सेलर यहाँ पे माल अपना बेच रहे थे तो जैसे इनका माल यहाँ बिकता हुआ रह गया और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो वीक हो गए, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आ गए, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और यहाँ पर मार्केट को वो किस तरीके से ऊपर लेके चले गए। तो कई बार आपको छोटा मिलेगा पर आपको मूव कहीं ना कहीं मिलेगा, और आपको सेव होने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। अगर आप कैंडल स्टिक्स पे काम कर रहे हो तो मैंडेटरी है, वैसे तो आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो आपका मैंडेटरी है स्टॉप लॉस लगाना। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो कहीं ना कहीं वो आप कहीं ना कहीं अपना ट्रेडिंग में फॉल्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको और सीखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपको वो गलती अगर कर रहे हैं तो सुधारने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको मिल गया मॉर्निंग स्टार, तो जिसके ये सेटअप से हमारे को देख रहे हो कि कितना अच्छा खासा हमारा तेजी देखने को मिली। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार भी काइंड ऑफ हमारा वही है स्पिनिंग टॉप, ये भी कहीं ना कहीं हमारे को ऊपर मिलता है या हमारे को ये भी कहीं ना कहीं नीचे मिलता है। तो जब भी ये चीजें मिलती है हमारे को काफी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारे को शूटिंग स्टार भी मिल रहा है, इवनिंग स्टार भी मिल रहा है और स्पिनिंग टॉप भी मिल रहा है। तो अक्सर ये तीनों कहीं ना कहीं हमारी एक जैसे ही मूव में मिलती है, एक जैसे ही हमारे को ये अपना जो इनका बिहेवियर होता है वही एक ही होता है, और कहीं ना कहीं इनका जो लॉजिक होता है वो भी सेम होता है, और कहीं ना कहीं ये जो कैंडल्स फॉर्म होती है इनका जो डिजाइन होता है वो भी कहीं ना कहीं एक जैसा ही होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारी कैंडल्स जो हमारे को काम मिलती है। अब जो मैं आपको बता रहा था सबसे पहले कि हमारे को जो डॉजी कैंडल्स है वो हमारी किस तरीके से काम करती है, आपको किस तरीके से उसको देखना है, वो चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही जा रही जा रही जा रही। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे को 5 से 7 डॉजी कैंडल मिल गई। डॉजी कैंडल के साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर इसको स्पिनिंग टॉप भी देख रहे हैं एक छोटी सी मिल रही है वो भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हैंगिंग मैन भी आपको बहुत छोटा सा दिख रहा है, ये भी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इवनिंग स्टार, यहाँ पे सेटअप देख रहे हैं ये भी इवनिंग स्टार का मिल रहा है। आप देख रहे हैं मोरोपोज़ कैंडल, वो भी आपको यहाँ पे रेड कलर की देखने को मिल रही है बेरिश। तो यहाँ पर आपको वेरियस तरीके की कैंडल्स मिल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये छोटी होने करके कहीं ना कहीं ये एक तरीके से डॉजीज भी है, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी छोटी कैंडल्स है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो बायर्स एक्टिव थे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वीक हो गए। वीक होने के बाद जो हमारे को यहाँ पे दो मोरोपोज़ कैंडल मिली, बेरिश कैंडल मिली, कहीं ना कहीं हम ये अब अपना ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके नीचे तक ट्रेड ले सकते हैं। कहीं ना कहीं मतलब हमारा यहाँ पर जो बायर्स है वो वीक हो गए हैं और सेलर जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग है। तो इस तरीके से अगर हमारे को कोई ना कोई सेटअप मिलता है तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इसके ऊपर हम अपनी कोशिश करेंगे अपनी पोजिशन बनाने के लिए। तो इस टाइप के हमारे को वेरियस तरीके के पैटर्न है, आप अगर देखेंगे पूरे चार्ट खोल करके आज ये वीडियो देखने के बाद तो आपको बहुत सी जगह पे ये चीजें देखने को मिलेगी। अगर उसके बाद भी आपको कोई क्वारी होगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी उसका रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा। अब आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आया हो, अगर नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं, अगर यही चीज अगर आपको ये चीज मल्टीपल बार मिलती है तो ऑब्वियसली बात आप कितनी बार स्टॉप लॉस कटवा लोगे। अगर ये आपको हो सकता है मे बी आपको यहाँ पे लग रहा हो, आपको लग रहा है यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा, पर ये सडन यहाँ से घूम गया पर आपका फिर स्टॉप लॉस यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, पर आप कभी ना एक्यूरेट नहीं हो पाओगे। तो एक्चुअल में मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो आपको पता है जैसे मेरा ये चैनल है इलियट वेव इंस्टीट्यूट है, कहीं ना कहीं जो मैं काम करता हूँ जो
जो मैं लोगों को बताता हूँ, जो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ या जो मैं आपके वीडियोस बनाता हूँ, कहीं ना कहीं ये जो टेक्निकल एनालिसिस का एक एडवांस लेवल है, तो वहां पर हमारी जो एक्यूरेसी है वो हमारी वहां पर 75-80% की है। अगर आप कैंडलस्टिक्स पे काम कर रहे हैं, इंडिकेटर्स पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक्यूरेसी है वो 20% से ज्यादा आपको नहीं मिलती। अगर आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल करके अपने आप को स्मार्ट कर लेते हैं, बहुत ही परफेक्शन हो जाते हैं, तो वहां पर भी तब भी जाकर के आपको 25% से ऊपर की एक्यूरेसी नहीं मिलती। इसलिए अक्सर जो है लोग वहां पर टेक्निकल आंसर को यूज करने के बाद भी लॉस करते हैं। तो अगर आप एडवांस लेवल वाली चीजें देखना चाहते हैं, आप उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको वीडियोस दे दूंगा, आप मेरी वो वीडियोस देखिए, ताकि आपको पता भी चले कि हमारी वो दुनिया क्या है। एक्चुअली ये हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस का जो ये बेसिक्स पार्ट है, जिसके अंदर हम कैंडलस्टिक्स पढ़ रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये भी गाइड करूंगा कि यहाँ तक ही हमारी दुनिया खत्म नहीं है, यहाँ से आगे भी बहुत कुछ है। तो आपको अगर यहाँ पर पैसा कमाना है, इस मार्केट में काम करना है, तो आपको कहीं ना कहीं आगे की भी नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप इस मार्केट में कर पाओगे, नहीं तो आप कभी भी बॉटम टॉप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको उसकी नॉलेज है और उसके साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को भी देख लिया, तो वहां पर आपके पैसे कमाने के, वहां पे आपके ट्रेडिंग जो है वो आपके प्रॉफिटेबल होने के लिए काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इन्हीं जो कैंडल्स को देख के ही डिसीजन लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत जरूर आएगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ पर ये हमारा बीच का पार्ट है या हमारा और नीचे जाती जाएगी मार्केट। आपको लगेगा ऐसा है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो जरूर बार बार हिट होता रहेगा। बट ये अगर 2 से 4 बार अगर आप करा लेते हिट, तो उसके बाद भी आप ट्रेड लेते हैं, क्योंकि वहां पे फिर ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाएगा, आप गिव अप कर देंगे। अगर आप उसके बाद भी ट्रेड लेते हैं और आपको एक भी ट्रेड आपके ट्रेंड जो ट्रेंडिंग मूव में लग गया, तो वो आपके 3-4-5 के जो स्टॉप लॉस के पैसे वो आपको दे भी देगा, और साथ ही साथ में आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे देगा। तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि और अपना आपको एडवांस करना, अपने आपको और हाईटेक करना, नॉलेजबल बनाना अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप मेरी वीडियोस देखिए और आपको वहां पर काफी कुछ जानने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में ये इसके ऊपर वीडियोस मैं देता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।